यस सर। सर लेट मी स्टार्ट द सेशन। सो टुडेस टॉपिक इज ईसी टू एक्सेस एंड स्टेटस चेक एंड ईसी टू मेटा डेटा। ओके, लेट मी फोकस ऑन टू द टर्म ईसी टू एक्सेस। राइट, तो ईसी टू एक्सेस मीन्स क्या होता है कि आप इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, ये जो सर्विस है AWS की, इसको कैसे एक्सेस करोगे। राइट, उसको एक्सेस करने के कौन से तरीके है। राइट, एंड स्टेटस चेक मीन्स क्या, तो जब आप एक्सेस करने जाओगे तो कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट आपको दिखती है, स्टेट्स आपको कौन सी दिखती है। राइट, तो ये क्योंकि ईसी टू जब आप एक्सेस करना चाहोगे तो इमिडिएटली वो एक्सेस आपको नहीं मिलेगा, आपको 2 मिनट का टाइम लग सकता है, 3 मिनट का टाइम लग सकता है, और उसके बाद वो 2 या 3 मिनट में कौन कौन सी स्टेटस आपको दिखती है ना, तो उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है तो हम इसके अंडर पढ़ेंगे, स्टेटस चेक के अंदर। राइट, और तीसरा ऑप्शन है ईसी टू मेटा डेटा। अब मेटा डेटा मीन्स क्या होता है फ्रेंड, डेटा सभी को पता है, डेटा मीन्स क्या होता है, डेटा मीन्स सर्टन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड मेटा डेटा मीन्स क्या होता है, तो मेटा डेटा मीन्स होता है उस डेटा की इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने फॉर एग्जाम्पल एक पिक लिया किसी चीज का, तो ये हो गया डेटा आपका, आपने जेपीजी फॉर्मेट में किसी का एक पिक ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपसे कैमरा से पिक निकाला, तो ये क्या हो गया, डेटा हो गया, पिक्चर एज अ डेटा। बट उसका मेटा डेटा क्या है, तो उसका मेटा डेटा है कि वो कौन से टाइप का इमेज है, वो जेपीजी इमेज है या टिफ इमेज है या वो पीएनजी इमेज है, उस इमेज की कितनी कितने पिक्सल है। तो फॉर एग्जाम्पल उसके जो भी पिक्सल की क्वांटिटी होंगी वो, उसके बाद उसका विड्थ और हाइट कितना है, लेंथ एंड है ना, लेंथ एंड विड्थ कितना है उस पिक्सल का, मींस उस इमेज का। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ना, मैंने जो बताई है, उसको मेटा डेटा कहते हैं। तो वैसे ही ईसी टू इंस्टेंस का भी मेटा डेटा रहेगा। अब ईसी टू इंस्टेंट का मेटा डेटा क्या रहेगा, उसका मेटा डेटा रहेगा उसके आईपी एड्रेसेस, उसका एआरएन है ना, तो ये सारी चीजें उसका मेटा डेटा रहेंगी। मेटा डेटा सिंपली मीन्स डेटा की इंफॉर्मेशन, डेटा की इंफॉर्मेशन मीन्स मेटा डेटा। राइट, ध्यान में रखना ये वर्ड, मेटा डेटा क्या होता है। उसके बाद अब मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करता हूं, है ना। आज का लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, अपना वाला शॉर्ट ही है, और हम एक लैब भी लेंगे इसकी रिलेटेड, ठीक है। तो ईसी टू एक्सेस, टू एक्सेस इंस्टेंसेस यू नीड अ की एंड पेयर नेम। अभी मैंने जो प्रैक्टिकल किया था डेमो में, याद है आपको, उसमें मैंने क्या यूज किया था, की पेयर यूज किया था। अरे मैं कुछ इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर रहा था ना, इंक्रिप्ट को डिक्रिप्ट कर रहा था ना, और मैं पासवर्ड डाल रहा था, तो मुझे क्या लगेंगी, एक की लगेंगी, वो की मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी। मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा ये कैसे होगा, आज के लैब में ही मैं आपको बताऊंगा। यू कैन डाउनलोड द प्राइवेट की ओनली वंस, आप एक ही बार उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे बोला है ना, मुझे ईसी टू इंस्टेंट को क्या करना है, एक्सेस करना है, यूज करना है फ्रेंड्स। तो वो यूज करने के लिए आपको एक ही बार की पेयर अवेलेबल की जाएंगी, बार बार नहीं मिलेंगी आपको फ्रेंड। हाँ, आपने एक बार जो की पेयर डाउनलोड की उसको आप कॉपी कर सकते हो या कहीं पे रख सकते हो, बट आपको एक ही बार वो की मिलेंगी। आपकी अगर वो की मिस हो गई ना फ्रेंड, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये प्राइवेट की होती है, द पब्लिक की। अब तीसरा पॉइंट है, पब्लिक की इज सेव्ड बाय AWS, एक की AWS अपने पास रखता है, उसको पब्लिक की बोलते हैं, टू मैच इट टू द की पेयर नेम, की पेयर नाम के साथ मैच करने के लिए वो खुद के पास रखता है। एंड प्राइवेट की, और जो प्राइवेट की रहती है व्हेन यू ट्राई टू लॉग इन ईसी टू इंस्टेंस, वो आपके पास रहती है। प्राइवेट की किसके पास रहती है, आपके पास। प्राइवेट मीन्स क्या, आपका खुद का की, और जो की AWS के पास है वो पब्लिक रहेगा, तो प्राइवेट की आपके पास ही रहेगा, तो आप उस प्राइवेट की से उसको लॉग इन करोगे। अगर आपकी मिस हो गई हो की, तो आप लॉग इन नहीं कर पाओगे, तो की आपको बहुत सिक्योर्ड करके रखना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है, विदाउट की पेयर, विदाउट, अगर आपके पास की पेयर ही नहीं है और आपने बोला मुझे एक्सेस करना है, तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो जब आप एक्सेस करते हो है ना, तो 2 टाइम के चीजें आपको एक्सेस करना है। पहला एक्सेस करना है विंडोज की सिस्टम, तो विंडोज की सिस्टम को एक्सेस करने के लिए इधर लिखा है RDP,
आरडीपी माना कि रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल होता है उसका नाम है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल विंडोज को एक्सेस करना है, मुझे विंडोज सर्वर को क्या करना है, यूज करना है, तो मुझे आरडीपी प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे लिनक्स को यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल लिनक्स है, कल मैंने लिनक्स का लिया था, कभी तो भी लिया होगा पर कल या परसों, तो वहां पे मैंने क्या किया था, वहां पे मैंने SSH प्रोटोकॉल का यूज किया था, सिक्योर्ड शेल ऐसा एक प्रोटोकॉल है ना, उस प्रोटोकॉल का यूज करके मैंने कनेक्ट किया था। तो विंडोज के लिए आपको आरडीपी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा, और विंडोज के लिए रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल उसका नाम है आरडीपी, और विंडोज के लिए लिनक्स के लिए आपको SSH यूज करना पड़ेगा। तो मैं वो प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, आरडीपी फॉर विंडोज, SSH फॉर लिनक्स, इतना ध्यान में रखो। लास्ट वाला पॉइंट है, देयर इज 20 EC2 इंस्टेंसेस। वैसे 20 EC2 इंस्टेंसेस पर अकाउंट में आप एक ही टाइम रन कर सकते हो, 20 के ऊपर नहीं कर सकते हो पर अकाउंट, क्योंकि अगर आपको ज्यादा करने है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे विंडोज की वेबसाइट सिस्टम जो आपको दिखाई थी है ना एक लेक्चर में, लिनक्स की दिखाई थी, तो आप ऐसे 20 तक कर सकते हो, 20 से ज्यादा नहीं करोगे आप। और अगर आपको करना ही है तो आपको AWS को रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, आपके पास जो की रहती है वो प्राइवेट रहती है, AWS के पास जो रहती है वो पब्लिक रहती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरव्यू में आस्क कर सकते है या एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद लिनक्स को चलाने के लिए आपको SSH प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ेगा, और विंडोज को चलाने के लिए आपको RDP का यूज करना पड़ेगा, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, सिक्योर्ड शेल, ऐसा दो टाइप के दो प्रोटोकॉल है। और आप एक ही टाइम 20 तक कर सकते हो, 20 से ज्यादा आपको मशीन ऑनलाइन लानी है तो आपको अमेजोन को बोलना पड़ेगा, बेजोस को बोलना पड़ेगा, भाई मेरे को ज्यादा काम है तो मुझे ज्यादा एक्सेस चाहिए, तो आपको दे देंगे, आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी वैसे, ठीक है, पे भी आपको वैसा ही करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो ये होगा EC2 एक्सेस के बारे में। अब जब ये हम EC2 को जब हम एक्सेस करेंगे ना फ्रेंड, तो क्या होने वाला है देखो आगे आगे। तो सबसे पहला होगा EC2 स्टेटस चेक। स्टेटस चेक मींस क्या, कि आप सपोज घर पे आपने दाल लगाई है ना, दाल लगाई है, तो आप कैसे पहचानते, ऐसे कुकर में आपने दाल डाला, चावल डाला है ना, मैं एक एग्जांपल देना चाहता, दाल और चावल डाला आपने आपके प्रेशर कुकर में, तो जैसे डाला गैस लगाया, हो गया क्या, नहीं हो गया ना, तो आप क्या देखते हो, क्या आप उस टाइम क्या सुनते हो, सीटी की आवाज सुनते हो, 2 सीटी 3 सीटी जो भी है ना, तो आप समझ जाते हो कि यार 2 हो गई तो हम अभी उसको मुझे उतारना है ना, ऐसा ही कुछ बनता है ना सिनारियो, है ना, तो दाल वगैरह आपको पकानी है तो ये सिनारियो है ना, 2 सीटी हो गई, चलो दाल पक गई है, तो आप निकालते हो। वैसे ही EC2 इंस्टेंट आप जब लॉन्च करते हो ना, तो वो लॉन्च होते वक्त क्या होता है, आपको उसका स्टेटस चेक करना पड़ता है, ऐसे जब बटन दबाई और लॉन्च होगा ऐसे नहीं होगा, वो सम टाइम लेगा, सम काइंड ऑफ टाइम लेगा, 2 मिनट लेगा, 3 मिनट लेगा, वो डिपेंड करेगा है ना, अमेजोन की सर्वर की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो आपको वहां पे स्टेटस चेक दिखाई देगा है ना, तो 2x2 अगर हुआ तो आपने समझ लेना कि हो गया अपना इंस्टेंट लॉन्च। तो मैं आपको बताऊंगा, लैब में ये भी बताऊंगा कैसे चेक किया जाता है। तो पॉइंट है यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट AWS EC2 सर्विस परफॉर्म ऑटोमेटेड स्टेटस चेक, ऑटोमेटिकली करता है एवरी मिनट, एक एक मिनट में, सपोज मैंने EC2 इंस्टेंट लॉन्च कर दिया तो चेक करते रहेगा, 1 मिनट लेगा, बताएगा क्या स्टेटस हुआ कि नहीं हुआ लॉन्च, अरे वर्चुअल मशीन हुई क्या नहीं हुई लॉन्च, बताते जाएंगे आपको। तो आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, आपके स्क्रीन पे आप दिखेंगे आपको, मैं बताऊंगा लैब में। दिस इज डन बाय रनिंग EC2 इंस्टेंसेस टू आइडेंटिफाई एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इश्यू। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि जो सर्वर आपने का EC2 इंस्टेंट आपने लॉन्च किया है फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, और कंडीशन ऐसी हो गई कि वो सर्वर में कुछ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इश्यू है, हो सकता है ना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इश्यू क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो भी तो मशीन ही है ना, मशीन में भी फॉल्ट आ सकते हैं ना, तो आ गए अगर फॉल्ट तो वो भी आपको स्टेटस चेक में दिख जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो ये बताएंगे आपको, एक एक मिनट में बताएंगे आपको। स्टेटस चेक इज बिल्ट इनटू AWS EC2 इंस्टेंस, जो मैंने बताया अभी, दे कैन नॉट बी कॉन्फिगर्ड, डिलीटेड और डिसेबल्ड। अरे जो स्टेटस आप देख रहे हो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते है ना, जो भी स्टेटस है, जो भी स्टेटस चल रहा है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, उसको आप कॉन्फिगर नहीं कर सकते, मीन्स
आप जितना जैसे मर्जी चाहो वैसे उसको आप चेंज नहीं कर सकते उसमें, जो आएंगा आपको स्टेटस वो दिखेगा, है ना। अगर आप एग्जाम में पास हो या फेल हो तो आपको वो देखेंगे, आपके हाथ में नहीं ना, हो एक बार पेपर दे दिया तो उसके बाद जो रिजल्ट आए उसको आप डिलीट थोड़ी करोगे, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आपको जो दिखेगा वही दिखेगा, है ना। उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो, डिसेबल भी नहीं कर सकते हो, वो परमानेंट चेंज है आपका, राइट। तो ऐसे ही इसका भी होता है, जो स्टेटस आपको मिलेगा वो लाइव मिलेगा, क्या है आपका मशीन का स्टेटस, चालू हुआ नहीं हुआ, डिलीट है डिसेबल्ड है, वो जो भी है वो आप नहीं करोगे, सिर्फ आपको स्टेटस दिखेगा। ब्लू कलर के पॉइंट में लिखा है, EC2 सर्विसेज कैन सेंड इट्स मैट्रिक डेटा टू AWS क्लाउड वॉच। अब ये सर्विस है AWS की, एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, AWS क्लाउड वॉच क्या होता है। तो ये क्या करता है कि आपके जो जितने भी इंस्टेंसेस रन हो रहे, EC2 इंस्टेंसेस आपके अकाउंट में जितने भी रन हो रहे हैं ना, उसका हर एक 5 मिनट्स में वो चेक करते रहता है, अरे उसका क्या कंडीशन है, उसका क्या कंडीशन है ना। अरे फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स आपका स्टेटस चेक करवाते हैं कि नहीं करवाते, कि ये परफॉर्म कैसे कर रहा है बंदा, ये रेगुलर कॉलेज आ रहा है या नहीं आ रहा, तो कैसे करते हैं, हर एक 6 मंथ बाद एक सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, तो क्या आपका इनपुट लेते रहते हैं वो आपके पेरेंट्स की, कैसा परफॉर्म कर रहा है आपका बंदा या आपकी बंदी, राइट। तो वो करते हैं वैसे ही, क्लाउड वॉच नाम की एक सर्विस है, वो क्या करती है कि आपका मशीन सही तरह से रन हो रहा नहीं हो रहा उसको हमेशा चेक करते रहता, बट कैसे चेक करते रहता, 5 मिनट में एक बार, 5 मिनट में एक बार चेक करते रहेगा वो, राइट। 5 मिनट हुए फिर से चेक करेगा, 5 मिनट हुए फिर से चेक करेगा, और उसको अगर कुछ फॉल्ट दिखता है तो वो भी वो नोट डाउन कर लेगा कि ऐसा ऐसा फॉल्ट हुआ है, राइट। तो इसको बोला जाता है क्लाउड वॉच सर्विस, ये 5 मिनट में करता है। इनेबल डिटेल मॉनिटरिंग इज चार्जेबल, अगर आपको बहुत ही डिटेल मॉनिटरिंग चाहिए, है ना, आपका आप ऐसे एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हो कि वो ऐसा एकदम ही स्पेशल एप्लीकेशन है, बिल्कुल बहुत ही अर्जेंट लेवल का, बहुत ही हेवी प्रायोरिटी का आपका कुछ काम चल रहा, तो आपको थोड़ा सा भी फॉल्ट बर्दाश्त नहीं होगा। आपको क्या चाहिए, आपको बिल्कुल सिमलेस सर्विस चाहिए, डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए, कोई भी इंस्टेंट में आप थोड़ी भी गड़बड़ बेयर नहीं कर पाते हो, ठीक है। आपको बहुत ही बिल्कुल उस इंस्टेंट का पूरा एवरीथिंग पोस्टमार्टम जो बोल बोल सकते हैं हम, एवरीथिंग डिटेल्ड आपको एनालिसिस चाहिए, है ना, तो एक एक मिनट में चाहिए, तो वो आपको चार्जेबल रहेगा, अमेजोन देंगे आपको वो चीज भी देंगे, बट वो चार्जेबल रहेगा। वैसे तो बाय डिफॉल्ट तो 5 मिनट में तो कर ही रहा है स्टेटस, है ना, तो ये 1 मिनट में चाहिए तो वो चार्जेबल है, उसके पैसे अलग है। लास्ट पॉइंट है, यू आर नॉट चार्ज फॉर EC2 इंस्टेंसेस इफ दे आर स्टॉप, अगर आपने आपकी सर्विस स्टॉप कर दी, है ना, राइट, तो आपको चार्ज नहीं पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, आपने अगर आपकी मशीन स्टॉप कर दी तो आपको चार्ज पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो वही कहा है यहाँ पे। हाउएवर अटैच EBS वॉल्यूम इनकर चार्जेस, बट आपने जो उसके साथ मेमोरी जो अटैच किया था, जो आपका इंस्टेंट चल रहा था उसके साथ जो मेमोरी आपने अटैच किया था, वो मेमोरी का चार्ज आपको देना पड़ेगा। अगर आपने उसका डेटा डिलीट कर डाला, मेमोरी को डिलीट कर डाला, तो नहीं चार्ज पड़ेगा, बट आपने मेमोरी को अटैच किया है, EC2 इंस्टेंट को स्टॉप किया है, मैंने क्या बोला स्टॉप किया है, तो आपको डेफिनेटली चार्ज लगेगा, है ना, मेमोरी का चार्ज लगेगा। अगर आपने टर्मिनेट किया है, टर्मिनेट मींस क्या, एवरीथिंग क्लोज किया है, आपने EC2 भी क्लोज किया है, आपका मेमोरी भी क्लोज किया है, सरेंडर कर दिया है, तो आपको चार्ज नहीं पड़ेगा, आपको चार्ज पड़ेगा। मेमोरी आपने सरेंडर किया, EC2 सरेंडर किया, तो आपको चार्ज नहीं पड़ेगा। स्टॉप किया है, स्टॉप कंडीशन में सिर्फ EC2 का स्टॉप होगा, बाकी सर्विसेज चालू रहेंगी, मींस मेमोरी जो अटैच थी वो उसका कुछ नहीं हो सकता, उसके चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, राइट। तो ऐसा है, जैसे आपने लैपटॉप में एक पेन ड्राइव लगाया फॉर एग्जाम्पल, तो आपने लैपटॉप बंद कर दिया आपका, फॉर एग्जाम्पल बंद कर दिया, तो आपका जो पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव का डेटा तो वैसे के वैसे ही रहेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा आपको लैपटॉप का, बट पेन ड्राइव में जो डेटा है आपका वो तो डेटा उस डेटा तो डिलीट नहीं होगा ना, वो तो आपको खरीदना ही पड़ेगा ना पेन ड्राइव, वो तो परमानेंट डेटा होगा ना आपका, वो थोड़ी डिलीट होगा आपका डेटा, नहीं होगा डिलीट। तो एक ऐसा एग्जांपल, बट आपका सपोज क्या हुआ, जो कनेक्टेड मेमोरी है वो आपने डिटैच कर डाला, है ना, उसको फॉर्मेट कर डाला, तो आपका डेटा भी फॉर्मेट हो जाएगा, आपको चार्जेस नहीं पड़ेंगे, ऐसा ये उसका ये है एक एग्जाम्पल है, राइट। तो स्टेटस चेक के बारे में हो गया, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं।
मैं फ्रेंड्स इसका आपको डिटेल लैब भी बताऊंगा, आज ही बताऊंगा। मीन्स ये जो थेरोटिकल पढ़ रहे हैं ना, इसको प्रैक्टिकली कैसे होता है ये भी बताऊंगा। प्रीवियस लेक्चर मीन्स कल के लेक्चर के थोड़ी चीजें भी बताऊंगा मैं आपको, लैब में आ जाएगा वो पूरा, ठीक है। वेन यू स्टॉप एंड ईबीएस इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज बैक इंस्टेंसेस, जब आप इसको स्टॉप करते हो तो क्या होता है इसके बारे में बताया कुछ इस तरह। ओके, इंस्टेंटेस परफॉर्मेंस शटडाउन, बंद होगा। शटडाउन मीन्स पता है ना शटडाउन कैसे करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टेट चेंजेस फ्रॉम रनिंग टू स्टॉपिंग। तो अगर आपने स्टॉप किया तो आपका जो मशीन चल रहा तो स्टॉप हो जाएगा, रनिंग स्टेट से वो स्टॉप स्टेट में चला जाएगा। ईबीएस वॉल्यूम रिमेन अटैच टू द इंस्टेंस, जो भी आपका कनेक्टेड मेमोरी है वो तो ऐसे ही रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। एनी डेटा कैचेड इन अ रैम और इंस्टेंट स्टोर वॉल्यूम इज गॉन। अगर आपका कुछ काम चल रहा आपके पीसी के अंदर मीन्स आपके इंस्टेंस के अंदर, तो अगर आपने शटडाउन किया तो काम तो बिगड़ जाएगा ना, वो चला जाएगा ना, तो वो किधर रहता है, रैम में रहता है। कैचे मीन्स मैंने कल बताया था आपको, कैचे कैचे मीन्स क्या रहता है, वो एक टेम्पररी मेमोरी रहती है, बार बार जिस मेमोरी का मुझे यूज करना है ऐसी वो मेमोरी है। अगर आपने सिस्टम आपकी क्लोज कर डाली तो वो मेमोरी वैसे ही चली जाएंगी, तो रैम का डेटा पहले ही चला जाएगा। बट जो डेटा आपके पेनड्राइव में है मीन्स ईबीएस वॉल्यूम में है तो वो नहीं जाएगा, ये मुझे कहना है। इंस्टेंसेस रिटेन इज प्राइवेट IPv4 और IPv6 एड्रेस। रिटेन मीन्स क्या, ये वापस कर देंगे ये इसके पास। देखो अभी जो भी चल रहा ये वर्चुअली चल रहा, तो ये क्या कर देगा, जो नेटवर्किंग के लिए आईपी एड्रेस लगेगा। आईपी एड्रेस मीन्स क्या, कि जब कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो मुझे क्या लगता है आईपी एड्रेस लगता है, तो उसके पास जो आईपी एड्रेस है वो चला जाएगा। रिटेंस मीन्स वो चला जाएगा, है ना, वो ले लेंगे वापस। और इंस्टेंस रिलीजेस इट्स पब्लिक IPv4 एड्रेसेस। पब्लिक मीन्स क्या, देखो दो टाइप के आईपी एड्रेस रहते हैं, एक रहता है प्राइवेट और दूसरा रहता है पब्लिक। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है कि प्राइवेट आईपी एड्रेस मुझे इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकता हूँ, वो सिर्फ प्राइवेट रहेगा, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सिपना की किसी लैब में बैठा हूँ और लैब में जितने नंबर ऑफ पीसी है, फॉर एग्जाम्पल मैं डीएसपी लैब में बैठा हूँ, डीएसपी लैब में नंबर ऑफ पीसी है, तो मैंने क्या किया, एक पीसी पे जो डेटा है वो दूसरे पीसी को शेयर किया, बट मैंने वो कैसे शेयर किया, प्राइवेट आईपी एड्रेस से शेयर किया। मीन्स क्या, ये दोनों ही पीसी कम्युनिकेट कर पाएंगे, तीसरा पीसी इसमें आएगा नहीं, मेरे बोलने का मतलब ये है। तो प्राइवेट है वो, इसको पता है और उसको पता है, बंदे को पता है बंदी को पता है, इन दोनों को पता है क्या करना है, तो उसको बोलेंगे हम प्राइवेट। पब्लिक मीन्स क्या, पब्लिक मीन्स यूनिवर्सल, उस आईपी एड्रेस सभी के लिए रहेगा कॉमन, हो सभी लोग उस आईपी एड्रेस से पहचानेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका घर में निकनेम अलग है ना, वो हो गया आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस। आपके घर में आपका निकनेम रहता है ना, बंटी वगैरह अलग अलग नाम रहते हैं, तो वो हो गया आपका प्राइवेट एड्रेस। और जो एड्रेस जो आपका नाम कॉलेज में रहता है वो तो आपका ऑफिशियल नेम रहता है, तो कॉलेज में आपके फ्रेंड्स है आपके निकनेम से आपको नहीं पहचानते है। फॉर एग्जाम्पल आपका पहला डे है कॉलेज का, तो आपके कॉलेज के जो फ्रेंड बने नए वाले आपको निकनेम से पहचानेंगे क्या, नहीं पहचानेंगे। तो निकनेम कहाँ पे, घर के लिए है। और कॉलेज में आपका जो नाम है वो यूनिवर्सल है, वो पब्लिक है, कुछ इस तरह होता है प्राइवेट और पब्लिक का कॉन्सेप्ट। तीसरा है इंस्टेंसेस रिटेन ए, और एक चीज का एड्रेस है इलास्टिक आईपी एड्रेस। तो इलास्टिक आईपी एड्रेस क्या होता है, रिजर्व पब्लिक एड्रेस होता है, ये थोड़ा रिजर्व रहता है प्राइवेट जैसे ही रहता है, बट एक कई स्पेशल ग्रुप में यूज होता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपके कॉलेज में आपका एक नया नाम किसी ने रख दिया, फॉर एग्जाम्पल है ना, कुछ आप कर रहे हो काम, तो आपका एक नया निकनेम कॉलेज में बन सकता है ना, उसको हम बोल सकते हैं रिजर्व या इलास्टिक आईपी एड्रेस। आपका नाम कॉलेज में होंगे ना, चिड़ बोलते ना हम इसको, चिड़ाना बोलते कुछ नाम से, तो हो गया आपका इलास्टिक आईपी एड्रेस। तो ऐसे ही मशीन का भी इलास्टिक आईपी एड्रेस रहेंगे, तो वो रिटेन कर देगा, रिटेन मीन्स वापस ले लेंगे। तो ये जब आप उसको स्टॉप करोगे EC2 इंस्टेंट को, तो ये सारी चीजें होने वाली है फ्रेंड्स, क्लियर है ये पूरा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते, अब टर्मिनेशन मीन्स क्या होता है। टर्मिनेशन मीन्स पूरा खल्लास, एवरीथिंग इज क्लोज, एवरीथिंग इज क्लोज मीन्स आपने आपके लैपटॉप को पेन ड्राइव लगाया वो भी डेटा डिलीट होना है, आपके पीसी का भी पूरा खत्म काम होना है वो भी डेटा डिलीट होना है, उसको बोला जाता है टर्मिनेशन। स्टॉप मीन्स क्या, स्टॉप मीन्स आपका पीसी स्टॉप होगा, आपका पेन ड्राइव सेफ रहेगा, उसका डेटा डिलीट नहीं होगा। टर्मिनेशन मीन्स क्या, आपका पीसी का भी ऑपरेटिंग सिस्टम चला जाएगा, आपके पेन ड्राइव का डेटा भी चला जाएगा,
उसको बोला जाता है टर्मिनेशन। तो अगर आप टर्मिनेशन करते हो तो आपको चार्जेस नहीं देने होंगे, क्योंकि आपका पीसी भी बंद हो गया है, मीन्स आपका मशीन भी बंद हो गया है EC2, और आपके मशीन को जो मेमोरी अटैच थी वो भी मेमोरी चली गई है, तो उसको बोला जाता है टर्मिनेशन। ठीक है, तो ये टर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट है। अब मैं थोड़ा कुछ पॉइंट्स पढ़ता हूँ। व्हेन यू टर्मिनेट अ रनिंग इंस्टेंस द इंस्टेंस स्टेट चेंजेस एज फॉलोज। इंस्टेंस की स्टेट कैसी चेंज होती है, पहले रनिंग रहता है, फिर सेटिंग डाउन होता है, और फिर टर्मिनेटेड होता है। मैं ये आपको बताऊंगा रनिंग कैसे होता है, सेटिंग डाउन कैसे होता है, टर्मिनेटेड कैसे होता है, लैब में दिख जाएंगे आपको। ड्यूरिंग सेटिंग डाउन एंड टर्मिनेटेड स्टेट यू डोंट इनकर चार्जेस। ये प्रोसेस होते वक्त आपने एक बार टर्मिनेट की कमांड दे दी तो आपके चार्जेस वहां से लगना बंद हो जाएंगे। जैसे आपने टर्मिनेट के बटन दबा दिया, ओके कर दिया, आपके चार्जेस लगना बंद हो जाएंगे, है ना। चार्जेस कब तक रहेंगे, जब तक वो शुरू स्टार्ट रहते रहेंगे, है ना। जैसे आपने बंद कर दिया आपके चार्जेस कंप्लीट हो जाएंगे, नहीं लगेंगे आपको उसके बाद में चार्जेस। बाय डिफॉल्ट EBS रूट डिवाइसेस वॉल्यूम आर डिलीटेड ऑटोमेटिकली। जहां पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था वो भी चला जाएगा। व्हेन द EC2 इंस्टेंसेस आर टर्मिनेटेड, अब दूसरा पॉइंट है, एनी एडिशनल नॉन बूट और बूट वॉल्यूम्स अटैच टू इंस्टेंसेस बाय डिफॉल्ट परसिस्ट आफ्टर द इंस्टेंस इज टर्मिनेटेड। इसका भी वजूद खत्म हो जाएगा, ये भी चले जाएंगे, है ना। जैसे आपने टर्मिनेट की बटन दबाई, एवरीथिंग इज गॉन। यू कैन मॉडिफाई बोथ बिहेवियर बाय मॉडिफाइंग द डिलीट टर्मिनेशन। अब इसका मीनिंग मैं बताता हूं आपको। इसका मीनिंग ऐसा है कि आपने आपकी कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, और आपकी कंपनी में कुछ बंदे और बंदिया है, नए नए लगे है, ठीक है, नए नए लगे है। या ऐसा एग्जाम्पल भी हो सकता कि फॉर एग्जाम्पल आप कंपनी में नए पोजीशन पे लगे हो, आपको AWS के पोजीशन पे बिठा दिया, एक डेवलपर के पोजीशन पे आपको फॉर एग्जाम्पल जॉब लग गया है। हुआ ये कि आपका पहला ही डे है और आपने क्या किया, जो EC2 इंस्टेंट कंपनी का चालू था उस EC2 इंस्टेंट के अंदर पूरी सेटिंग थी इंपॉर्टेंट, पूरे काम कंपनी के चल रहे थे, आप गए आपने क्या किया उसको टर्मिनेट कर दिया। जैसे आपने टर्मिनेट कर दिया तो कंपनी का सर्वर ही बंद हो गया, कंपनी का सर्विस ही देना बंद हो गया, तो ये क्या हुआ, कंपनी का बड़ा लॉस हुआ ना। आप तो गुडविल से गए थे, आपको तो बचाने थे चार्जेस, पर कंपनी दे रही थी सर्विसेस लोगों को, आपने क्या किया टर्मिनेट कर दिया, कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो इसमें एक सेटिंग आती है कि डिलीट ऑन टर्मिनेशन नाम की सेटिंग रहती है ना। तो वो सेटिंग अगर मैंने लगा दी तो आप उसको डिलीट नहीं कर पाओगे, लैब में आएगा ये भी चीज, आपको डिलीट करना में बहुत मुश्किलात जाने वाली है। फिर अगर आपको पूरा करना है तो स्टेप्स है कुछ, उसके बाद वो इंस्टेंट क्या हो जाएगा, टर्मिनेट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनलोइंगली आपने अगर उसको टर्मिनेट कर दिया, कंपनी के तो काम चालू है सर्वर पे और सर्वर को ही आपने टर्मिनेट कर दिया, तो कितना बड़ा लॉस हो जाएगा कंपनी का, है ना। तो इसको अवॉइड करने के लिए डिलीट ऑन टर्मिनेशन नाम का एक प्रोटेक्शन रहता है, तो ये भी उसमें है, प्रेजेंट है। एनेबल EC2 टर्मिनेशन प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंटल टर्मिनेशन। तो ये पॉलिसी है, इसका मैं आपको बताऊंगा लैब में कैसे होने वाला है। अब मेटा डेटा, मैंने जैसे आपको बताया मेटा डेटा क्या रहता है, मेटा डेटा मीन्स डेटा का डेटा, डेटा की इंफॉर्मेशन, मीन्स आपके पास बहुत सारा डेटा है पेनड्राइव में, आपकी पेनड्राइव में बहुत सारा डेटा है। कौन कौन सा डेटा है, तो JPG डेटा है, उसके बाद ऑफिस का डेटा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डेटा है, एक्सेल सीट है ना। तो इसको बोला जाता है मेटा डेटा, उसका डिटेल्स, उसकी साइज कितनी है, उसकी मेमोरी कितनी है, MP3 डेटा है, MP4 डेटा है, उसकी मेमोरी, उसकी साइज, इसको मेटा डेटा बोला जाता। वैसे ही EC2 इंस्टेंट का जो डेटा है ना, उसको हम मेटा डेटा बोलेंगे। कौन कौन सा रहेगा इसमें, IPv4 एड्रेसेस। IPv4 एड्रेस मीन्स उसके IP एड्रेसेस कौन से है, है ना, मशीन को कनेक्ट करने के लिए कौन से IP एड्रेस लगने वाले है। उसके बाद IPv6 एड्रेस, नया एड्रेस है, DNS होस्ट नेम क्या है, ये पूरे नेटवर्किंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसमें रहेंगे, मैं बताऊंगा ये कहाँ पे रहते हैं। उसके बाद AMI ID, AMI मीन्स Amazon मशीन ID, Amazon का मशीन ID की है क्या है, मशीन ID मीन्स सम काइंड ऑफ हार्डवेयर एड्रेस जो है ना फिजिकल लेयर में होता है, हार्डवेयर एड्रेस नाम सुनाऊंगा आपने, मैक एड्रेस नाम सुनाऊंगा, वैसे ये मैक एड्रेस नहीं है, अमेजोन का मशीन का आईडी है, उसका आईडी कौन सा है, आइडेंटिफिकेशन नंबर कौन सा है, सर्वर का कौन सा नंबर है उस रैक में, अमेजोन मशीन आईडी बोला जाता है उसको।
इंस्टेंट आईडी, इंस्टेंट आईडी मींस, इंस्टेंट मींस टाइम, उस टाइम का आईडी कौन सा है, जिस टाइम पे आपने सर्विस यूज करना है ना वो आईडी कौन सा है, इंस्टेंट का टाइप कौन सा है, लार्ज है, स्मॉल है, टी टाइप का है, सी टाइप का है, एम टाइप का है, कौन सा है, ये पूरी चीज है। लोकल होस्ट नेम, लोकल होस्ट मींस यूजर नेम क्या है, पब्लिक की क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप मींस कौन से, सिक्योरिटी ग्रुप मींस एक्सेस करने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज किए, वो सिक्योरिटी ग्रुप का आता है, ठीक है ना। तो इसी टू इंस्टेंट के ऊपर सिक्योरिटी ग्रुप रहता है। सिक्योरिटी मींस जस्ट लाइक अ फायरवॉल, आपके कंप्यूटर में फायरवॉल रहती है ना, कोई वायरस नहीं आना चाहिए, पर्टिकुलर सर्विस को ही आपको क्या मिलना चाहिए, एक्सेस मिलना चाहिए, तो ऐसे ही सिक्योरिटी ग्रुप रहता है। तो सिक्योरिटी ग्रुप में हम कुछ रूल डालते हैं कि बा एसटीटीपी या आईपी का पैकेट ही आपके पीसी में आना चाहिए, दूसरा कोई डेटा नहीं आना चाहिए, तो इसको सिक्योरिटी ग्रुप बोला जाता है। सिक्योरिटी काइंड ऑफ रहता है, बताऊंगा मैं आपको लैब में। मेटा डेटा कैन बी ओनली व्यूड फ्रॉम विद इन अ इंस्टेंट इटसेल्फ, आप आपके इंस्टेंट में जाके इसको देख सकते हो। यू हैव टू लॉग इन, उसके लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा टू द इंस्टेंस, इंस्टेंट को लॉग इन करना पड़ेगा। मेटा डेटा इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय इंक्रिप्शन, देखो एक बार आपने लॉग इन कर दिया आपके अकाउंट में तो आपको मेटा डेटा दिख जाएगा, राइट, बट इसका कुछ ऐसा इंक्रिप्टेड नहीं होता है, मीन्स क्या, इसको प्रोटेक्शन कोई भी नहीं रहता, कोई भी देख सकता, किसी बंदे ने आपका अकाउंट लॉग इन किया है तो वो पूरा डेटा देख सकता है, ऐसा वो सीक्रेट एंड ऐसा हाइड नहीं रहता है, वो आंखों के सामने, खुले आंखों के सामने रहता है वो डेटा। एनी वन दैट हैज एक्सेस टू इंस्टेंस कैन व्यू दिस डेटा, ये डेटा हम देख सकते हैं, ठीक है। और ये डेटा देखने के लिए आपको, अगर लिनक्स की मशीन में आपको डेटा देखना है तो कमांड है, कर्ल नाम की कमांड है, कर्ल गेट एसटीटीपी, और आपके मशीन का प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस आपको डालना है, पब्लिक आईपी एड्रेस, और ये पूरा डालना है, आपको वो डेटा दिख जाएगा, ठीक है। तो ये कमांड है, वैसे हम एक्सटर्नली भी देख सकते हैं, इतना ही नीड नहीं है उसका। तो ये हो गया मेटा डेटा के बारे में, इंस्टेंट यूजर डेटा। अब ये क्या होता है, जो आप इंस्टेंट रन करते हो तो वो जो रन कर रहा है उस इंस्टेंट को, तो उस यूजर का डेटा कौन सा है, जो भी इंस्टेंट यूजर उसको रन कर रहा है ना, इसी टू इंस्टेंट मैंने लॉन्च किया, तो वो जो यूजर उसके साथ खेलेगा, उसको एक्सेस करेगा, तो वो यूजर डेटा, तो वो यूजर डेटा क्या है, देखो, डेटा सप्लाइड बाय द यूजर एट द इंस्टेंट लॉन्च इन द फॉर्म ऑफ सबस्क्रिप्ट टू बी एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द इंस्टेंट बूट, है ना। ये यूजर देता है, मैं बताऊंगा कैसे देता है। यूजर डेटा इज लिमिटेड टू 16 KB, 16 KB का होता है ये। यू कैन चेंज यूजर डेटा बाय स्टॉपिंग EC2 फर्स्ट, आपको अगर इसको चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हो, पहले आपको स्टॉप करना पड़ेगा। यूजर डेटा इज नॉट इंक्रिप्टेड, है ना, इट इज नॉट इंक्रिप्टेड मीन्स ये ऐसा सीक्रेट नहीं रहता है, ये बिल्कुल ऐसा अवेलेबल रहता है EC2 बेयर मेटल इंस्टेंट में, है ना। तो बेयर मेटल मीन्स कोई नया हार्डवेयर के साथ आप डील कर रहे हैं तो ये बिल्कुल आपके आंखों के सामने रहेगा। इन नॉन वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट, नॉन वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट मीन्स क्या, ये नॉन वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट में रहेगा, मीन्स जो भी है वो है आपकी आंखों के सामने, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम रन डायरेक्टली ऑन हार्डवेयर, बेयर मेटल मीन्स क्या, जो ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट हार्डवेयर पे रन करती है तो उसको बेयर मेटल बोला जाता है। मैंने बोला था ना आपको डेडिकेटेड, डेडिकेटेड होस्ट याद है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे चलाते हैं आप, डायरेक्ट हार्डवेयर पे चलाते हैं डेडिकेटेड होस्ट में, कल पढ़ाया था आपको, याद करो। सुटेबल फॉर लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड रिस्ट्रिक्टेड टीयर वन बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशन, तो ये जो इंस्टेंट टाइप का जो मैंने बताया आपको, तो ये किसमें है, ये पूरा मीन्स लाइसेंसिंग इसकी स्कीम है, लाइसेंसेस लगेंगे आपको, लाइसेंसेस लगेंगे, है ना। आपको कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो जो यूजर डेटा है तो उस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है i3 मेटल, i5 मेटल, r5 मेटल, z1d मेटल, ये पूरे उसके नाम है। तो ये कंपनी में एक्चुअल यूज होता है, अपने लिए नहीं है ये, ठीक है। तो ये वाला हो गया इंस्टेंट यूजर डेटा। उसके बाद नेक्स्ट वाली फील्ड है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज मीन्स क्या होता है, देखो आप, मोस्ट कॉमन रेप्लिकेट ऑफ इज अवेलेबिलिटी जोन। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज डेटा स्टोर करने की टेक्निक है, ये इसका लैब भी है और इसका डिटेल लेक्चर भी है ना। तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज कैसे अटैच करते हैं मैं दिखाऊंगा, आज ही दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में। EBS वॉल्यूम अटैच एट लॉन्च आर डिलीटेड व्हेन इंस्टेंट टर्मिनेट, जब आप इंस्टेंट को टर्मिनेट करते हो तो जो अटैच डेटा है वो भी टर्मिनेट हो जाता है। EBS वॉल्यूम अटैच टू अ रनिंग इंस्टेंट आर नॉट डिलीटेड व्हेन इन इंस्टेंट इज टर्मिनेटेड,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टिक करना पड़ेगा। उधर एक फील्ड रहेगी, वो फील्ड अगर आपने टिक की तो आपका डेटा जो है ना वो डिलीट होगा, अदरवाइज नहीं डिलीट होगा। मीन्स आपका डेटा आपने अटैच किया है EC2 इंस्टेंट को, वहां पे एक फील्ड रहती है टर्मिनेट, डिलीट व्हेन टर्मिनेट, तो आपने वहां पे टिक कर दिया तो वो डेटा डिलीट हो जाएगा जब टर्मिनेट, आपने अनटिक किया तो वो डिलीट नहीं होगा, वो वैसे के वैसे रहेगा। तो ये कहना है मेरे को, इसका आपको बताऊंगा क्या एक्चुअली इंस्टेंट स्टोरेज क्या रहता है। फिजिकल अटैच टू होस्ट सर्वर, ये फिजिकली होस्ट अटैच सर्वर को ही अटैच रहता है। इंस्टेंट स्टोरेज ये सर्वर को ही अटैच रहता है, जो भी सर्वर है उसको अटैच रहता है। डेटा नॉट लॉस्ट व्हेन OS इज रिबूटेड, मींस ऑपरेटिंग सिस्टम रिबूट हुई, मींस रिस्टार्ट हुई, तो ये लॉस नहीं होगा। डेटा लॉस्ट व्हेन अंडरलेइंग ड्राइवर फेल, मींस क्या, डेटा लॉस कब होगा, इंस्टेंट का डेटा लॉस कब होगा, जो डेटा EC2 इंस्टेंट के पास है वो लॉस्ट कब होगा, जब उसमें के जो ड्राइवर्स है, जो काम करने वाले ड्राइवर्स है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गया है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया आपके PC के, तो आपका डेटा तो लॉस होना ही है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वैसे इधर भी है ना। इंस्टेंट स्टॉप और टर्मिनेट, एक तो आपने स्टॉप कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, तो भी ये डेटा आपका चला जाएगा। यू कांट डिटैच और अटैच अनदर इंस्टेंसेस, मीन्स आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पे भी इंस्टॉल्ड है, जिस इंस्टेंस स्टोरेज में इंस्टॉल्ड है, सी ड्राइव पता है ना आपके लैपटॉप में, तो आप जो सी ड्राइव का जो ये है जहां पे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको आप क्या क्या नहीं कर सकते, उसको आप अलग नहीं कर सकते, वो तो सी में ही रहेगा हमेशा। सी में से डी में नहीं रख सकते, डी में से ई ड्राइव में नहीं लेके जा सकते, है ना, तो वहां पे ही रहेगा। डू नॉट रिलाय ऑन अ वैल्यूएबल लॉन्ग टर्म यूजर डेटा, है ना, लॉन्ग टर्म डेटा। इसका मीनिंग ये है कि आप इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो। मैं आपको बोलता कि आप आपका डेटा, आपके पास सभी के पास लैपटॉप है या किसी के पास PC है, जो भी है, तो आप आपका डेटा कभी सी ड्राइव में सेव करते हो क्या फ्रेंड, ये बताओ मुझे। आप आपका डेटा कभी भी सी ड्राइव में सेव नहीं करते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, अगर इन फ्यूचर आपका कंप्यूटर में कुछ वायरस आया और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डाउन हो गया, प्रॉब्लम क्रैश हो गया, तो आपका डेटा भी क्रैश हो जाएगा। बट आपने अगर आपका डेटा सी ड्राइव के सिवा किसी और ड्राइव में रखा, फॉर एग्जाम्पल डी ड्राइव में रखा या ई ड्राइव में रखा, तो वो डेटा सेफ रहेगा। तो हमेशा आपको रिकमेंड करते हैं जो आप कंप्यूटर जब लेते हो, कि आपका डेटा आप दूसरे पार्टीशन में रखो, सी में कभी भी आपका डेटा नहीं रखना चाहिए। बराबर है ना, मैं सही बात कर रहा हूँ ना फ्रेंड्स, कि आपका डेटा आपने सी ड्राइव में कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसे ही इंस्टेंस स्टोरेज होता है, जहां पे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंस्टेंस स्टोरेज यही होता है। अगर आपने गलती से यहाँ पे डेटा रख दिया तो आपका डेटा जाएगा, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा या AWS रिकमेंड नहीं करेगा कि आप आपका डेटा इसमें रखे, तो नहीं रखना चाहिए। तो ये कहने का मीनिंग है इसका, ठीक है। तो ये पूरा हो गया इसके बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं लैब, ठीक है। तो इसमें किसी को कुछ दिक्कत है क्या, कुछ समझने में कुछ दिक्कत आई है क्या, मैं इसको थोड़ा